मेरा नाम ज्योति और ये मेरी बेटी अंकिता। स्कूल में पढ़ती है। जब मैंने के स्कूल गई तो मैथ का पेपर हुआ इसका, तो टीचर मेरे को बोलने लगे कि जरा हमसे मिल के जाना। फिर उन्होंने बोला कि ये देखो आपके बच्चे ने 0 नंबर लिया, बोला हम नहीं इस बच्चे को हैंडल कर सकते। फिर मैंने उनको यही बताया कि मैंने पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा इसको यहाँ पे, जो आप बोल रहे हैं कि किताब वाली पढ़ाई करेगी ये, तो बोलते ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं। कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ रहता है, घर पे भी नॉर्मल बच्चों के साथ है और स्कूल में भी नॉर्मल बच्चों के साथ ही छोड़ूंगी, और आप लिख के दे दोगी आप इसको नहीं पढ़ाओगे, तब मैं आगे कार्रवाई कर सकती हूँ। ये कपड़े चेंज करने आते थे इसे। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे को पता चला कि कोर्ट में से, तब मैं 4 साल की थी, ये कोर्ट से जुड़ गई और फिर वहाँ पे लेके गई मैं, तो फिर हर महीने लेके जाती थी इसे। फिर एक्सेस वगैरह सिखाई इसे, फिर वोट वगैरह ज़्यादा सिखाया तो ये तो वो खुद ही चलती थी। फिर काला काला बादला बने काला नाता मन ने कुछ लगाए पूरा कलर आता समय बाद अमर में बगिया पाए दोस्त बोले मेरे ना कहाँ से आया इतना मन कोर्ट के लिए। तो मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता बताया, और जो हमारे घर में आते हैं वो भी बेचारे बड़ा सहयोग देते हैं। तो मैं जब से कोर्ट से जुड़ी हुई हूँ मैं बड़ा बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, और मैं औरों को भी यही शिक्षा देती हूँ, अगर आप नहीं पहुँच सकते तो प्लीज आगे मेरे पास आए, मैं आपको आगे लेके चलूँगी कोर्ट तक। मैं सभी माँ बाप को यही बताना चाहती हूँ जिनके ऐसे बच्चे हैं कि अपने बच्चों को बोझ ना समझे, क्योंकि ये बच्चे जो है तो ये भगवान की देन है। जो अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं वो माँ बाप थोड़ी होते हैं।